हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस होमोफोन्स सबसे पहले जान लेते हैं कि होमोफोन्स होते क्या है अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज़ ए डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग एक शब्द जो दूसरे शब्द के समान उच्चारण किया जाता है पर उसका मीनिंग एंड स्पेलिंग डिफरेंट हो उसे हम होमोफोन्स कहते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फर्स्ट वन इज अडेप्ट अडेप्ट मतलब होता है ढालना ही इज़ टू हार्ड लाइफ इसका होमोफोन है अडोप्ट अडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना रीमा टू चिल्ड्रन नेक्स्ट इज ऑल्टर ऑल्टर का मतलब होता है बदलना द प्लेन ऑल्टर मैनी टाइम इसका होमोफोन है ऑल्टर ऑल्टर का मतलब होता है पूजा स्थान द चिल्ड्रन बॉ डाउन हिज हेड बिफोर द ऑल्टर नेक्स्ट इज असेस असेस का मतलब होता है पहुंच ही असेस द प्रॉब्लम इसका होमोफोन है एक्सेस एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा मात्रा देयर इज एक्सेस ऑफ डस्ट इन द रूम नेक्स्ट इज स्टोरी स्टोरी का मतलब होता है मंजिल द चिल्ड्रन फेल फ्रॉम द थर्ड स्टोरी इसका होमोफोन है स्टोरी स्टोरी का मतलब होता है कहानी माई ग्रैंड मदर टोल मी ए स्टोरी नेक्स्ट इज असेप्ट असेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना ही अक्सेप्टेड हिज फॉल्ड अक्प्ट का होमोफोन है एक्सेप्ट इसका मतलब होता है के बिना ऑल एक्सेप्ट मी वेन टू द पार्टी नेक्स्ट इज देन देन का मतलब होता है बाद में वैन द फंक्शन वाज ओवर ही केम देन इसका होमोफोन है देन देन मीन्स से दल्डर सिस्टर इज फैटर देन यंगर वन नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक थर्टी डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट टू सिक्सटी डिग्री एक और कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मतलब होता है प्रशंसा करनी माई टीचर कॉम्प्लीमेंट इन माई गुड वर्क नेक्स्ट है सीरियल सीरियल का मतलब होता है अनाज द बर्ड फिनिश द सीरियल थ्रो फॉर देम ऑन द रूफ टॉप इसका होमोफोन है सीरियल सीरियल का मतलब होता है धारावाहिक द रामायणा इज माई फेवरेट सीरियल नेक्स्ट इज कोर्स कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम दिस बुक इज नॉट इन माई कोर्स इसका होमोफोन है कोर्स खुरदरा खादी इज ए कोर्स मटीरियल नेक्स्ट वन इज सेल सेल का मतलब होता है बेचना द वेंडर इज सेलिंग एप्पल्स नेक्स्ट है इसका होमोफोन है सेल सेल का मतलब होता है बैटरी द क्लॉक नीड्स टू सेल्स नेक्स्ट इज वन वन का मतलब होता है एक आई हैव वन पेन इसका होमोफोन है वन इसका मतलब होता है जीत आई वॉन्ट द मैच नेक्स्ट इज डियर डेयर का मतलब होता है हिरन देयर आर नाट मैनी डेयर इन दू इसका होमोफोन है डियर डेयर मीन प्रिय द चिल्ड्रन इज डेयर टू हिज पेरेंट्स नेक्स्ट इज लूज लूज का मतलब होता है ढीला माई टूथ इज लूज नेक्स्ट लूज है गवाना डेथ ऑफ महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लूज टू द नेशन नेक्स्ट है मीट मीट का मतलब होता है मीट आई डोंट ईट गोट्स मीट नेक्स्ट आई मीट मतलब मिलना आई मीट हिम ऑन द रोड नेक्स्ट इज ड्यू ड्यू का मतलब होता है कारन टीचर टोल्ड मी योर फीस इज ड्यू एक और ड्यू होता है उसका मतलब होता है तरेल ड्यू कवर ग्रास ऑफ गार्डन इज़ गुड फॉर मॉर्निंग वॉक नेक्स्ट इज डायरी डायरी का मतलब होता है जो लिखी जाती है डायरी प्लीज नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन इन योर डायरी इसका होमोफोन है डेरी डेरी जहाँ दूध दिया जाता है वी बॉट टू लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम द डायरी नेक्स्ट इज़ फेयर फेयर का मतलब होता है सुंदर माई सिस्टर इज़ वेरी फेयर इसका होमोफोन है फेयर फेयर का मतलब होता है किराया द फेयर फ्रॉम माई विलेज टू मोगा इज टेन रुपीज नेक्स्ट इज फ्लोर फ्लोर का मतलब होता है आटा आई पुट लॉट ऑफ वाटर इन फ्लोर एक और फ्लोर होता है उसका मतलब होता है फर्श द फ्लोर वॉज वेट नेक्स्ट इज गेट गेट का मतलब होता है दरवाजा द स्कूल गेट वॉज क्लोज एक और गेट होता है उसका मतलब होता है चाल हिज गेट इज स्लो नेक्स्ट इज हेल हेल मीन्स जहां से आन, कहीं से आना आई हेल फ्रॉम पंजाब एक और हेल होता है उसको कहते हैं सेहत माई ग्रैंडफादर इज हेल एंड हार्टी नेक्स्ट इज हील हील का मतलब होता है एडी आई कैन फील द पेन इन माई हील इसका होमोफोन है हील हील का मतलब होता है जख्म भरना टाइम हील्स एवरीथिंग नेक्स्ट इज मैरी मैरी का मतलब होता है खुश ईट ड्रिंक एंड मैरी एक होता है मैरी मैरी का मतलब है शादी करना राम मैरिड सीता नेक्स्ट इज कास्ट कास्ट का मतलब होता है फेंक देना वी शुड कास्ट ऑफ द एविल इन अस इसका होमोफोन है कास्ट कास्ट का मतलब होता है जाति आई बिलोंग टू राजपूत कास्ट नेक्स्ट इज क्वाइट क्वाइट का मतलब होता है शांत द स्टूडेंट वॉज सिटिंग इसका होमोफोन है आत्मा मे हीज सोल रेस्ट इन पीस एक इसका होमोफोन है सोल सोल का मतलब होता है जूते का तला द सोल ऑफ माई शूज केम ऑफ नेक्स्ट इज Pale. Pale का मतलब होता है बाल्टी ही वेंट टू फैच एफ वॉटर इसका होमोफोन है पीला ही टर्न पेल ऑन हियरिंग द्यूज नेक्स्ट इज पीस पीस का मतलब होता है टुकड़ा आई एट अ पीस ऑफ केक इसका होमोफोन है पीस पीस का मतलब होता है शांति देर मस्ट बी पीस एवरीवियर नेक्स्ट इज आइडल आइडल मतलब निठल्ला नो वन शुड बी आइडल इसका होमोफोन है आइडल आइडल का मतलब होता है प्रशंसा का पात्र माई मा माई मैथ टीचर इज माई आइडल नेक्स्ट इज वीक वीक का मतलब होता है हफ्ता दिस वीक वी वर गोइंग ऑन अ टूर इसका होमोफोन है वीक वीक का मतलब होता है कमजोर माई ग्रैंड पेरेंट हैज़ ग्रोन वीक नेक्स्ट इज नोज नोज का मतलब होता है नाक माई नोज इज फ्लैट इसका होमोफोन है नोज इसका मतलब होता है जानता है आई नो दिस आंसर नेक्स्ट इज रोज रोज़ का मतलब होता है कतारे चिल्ड्रन आर सिटिंग इन फाइव रोज इसका होमोफोन है रोज रोज़ का मतलब होता है गुलाब माई सिस्टर प्रेजेंटेड मी अ रोज लास्ट इज हेयर हेयर का मतलब होता है बाल माई हेयर सार वेट इसका होमोफोन है हेयर हेयर का मतलब होता है खरगोश द हेयर रेन डाउन द पाथ थैंक यू